चित में करे अपना चित में हर करे जो जो मेरे जतन बात सुख के किए ना करे जो मैं चित्त ना
ना करे कोट उपाव चितवत है प्राणी सो हो सो हो जो करे चोज बिडानी जो मैं चितवा ना करे जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए बाबा कबीर जी दा अज वाला ए श्लोक बचन गुरमत दे एक बड़े वड्डे विषय नूं कंसेप्ट नूं साडे सामने खोलदा है जे सीधे लफ्जों विच कहा जाए ता मनुख जेड़ा है रब नू हमेशा चैलेंज करदा है उंदी सुल्तानता उंदा राजभाग उंदी अथॉरिटी नू चैलेंज करदा है ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ दुध बिन धैन गऊ कोल दुध नहीं तका दी गऊ जे पंखी दे फंग कोई नहीं पंख कोई नहीं टुट गया नहीं तका दा पंखी जे बादशाह सुल्तान नू कोई सलाम करके उन्दे हुकम अगे सिर नहीं चुकांदा तका दा सुल्तान ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੈਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ ਜਲ ਬਿਨ ਉਤ ਭੁਜ ਕਾਉ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਬਿਨ ਉਤ ਭੁਜ ਕਾਉ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਦਾ ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਕਾਹਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਾਨਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸਮਝਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਮੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
कोई उत्थे इलेक्शन नहीं, कोई उत्थे वक्री चोन नहीं भी चलो हुण इस रब नूं बदल दिओ, रब रब नवां लियाओ, कुछ नहीं। राजू तां तेरा सदा निचल, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी हमेशा इको रहन वाला। ते की कारण है इहदे राज नूं कोई चैलेंज करे उंदा हुक्म ना मन्ने, उंदे हुक्म दे सामने अपना हुक्म चलाए, जां उस सुल्तान नूं आखे तैनू मेरी मर्जी करनी पाएगी। अजीब जी घटना है, बड़ी सूक्ष्म समझण वाली गल है। कहन लगे तू सुल्तान कहां हो मिया, तेरी कमन बनाई क्या सुल्तान, सलाम में हूं ना। जिस सुल्तान दा कोई हुक्म ही नहीं मनदा, सलाम सिर नहीं झुकांदा उंदे हुक्म दे सामने, असी किते एहो कारण ते नहीं रब तो टुटे होए। रब दे प्रभु दे ते साडे दरम्यान विच एक दीवार बनी हुई है, सदियां बीत गईयां ने, गुरुद्वारे बड़े, मस्जिदां बड़ियां, मंदिर बड़े, ठाकर द्वारे ते चर्च बड़े, सारे आखिर किसे रब दे प्रतीक ने ना। कोई उन्हों अल्लाह कह देवे, कोई उसनों गॉड कह देवे, पर हैं तो रब दे प्रतीक। ते जे सदियां जुग बीत गए ने, इन्ना कुछ बनाया असी असी उस दे नाम ते, ते उंदी गल नहीं मनदे, इंदा मतलब असी सुल्तान मन रहे हैं, सुल्तान दा हुक्म नहीं मन रहे। एहो ही मेरी ते तेरी जिहड़ी मिलाप दी घड़ी है उंदे दरम्यान विच एक दीवार है, पाल है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने बाणी विच हर गल खोल के दसी। सतगुरु कहंदे ने, कहंदे ने किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, जेड़े तेरी ते मेरे दरम्यान विच एक दीवार खड़ी होई हुई है झूठ दी, वो किवें खत्म होवे कि मैं तेरा मिलाप प्राप्त कर सकां। ते अगली तुक अंदर जवाब दिंदे ने, कहंदे ने दीवार इक्को ही है, तू खसम दी रजा विच नहीं चलदा, उंदे हुक्म विच रहना पसंद नहीं करदा। ते जेड़ा सुल्तान दे हुक्म विच ही ना होवे, बादशाह दी गल ना मले, वो बादशाह नूं प्यारा किवें हो सकदा। गुरबाणी है, मैं अपनी जबानों कुछ नहीं कहना चाहता, बाबा कोई चीज दे इस श्लोक नूं तुहाडे सामने खिलार के रखना चाहना। कहंदे ने किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, ते जवाब की है हुकुम रजाई चलना, उंदी रजा विच उंदे हुकुम विच चलन बिना, अपनी रजा उंदे ते ठोस के जे तू चाहे उंदा तेरा मिलाप हो जाए ते गल मुश्किल है। आपा श्री आसा जी दीवार दी आखरी पौड़ी पढ़ी, कहंदे ने पौड़ी बड़े किया बड़े आईया, पौड़ी बड़े किया बड़े आईया, किछ कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम
दे जिया रिजक संभाए साई कार कमावनी साई कार कमावनी तोर छोड़ी तिन्ने पाए नानक एक ही बाहरी और दूजी नहीं जाए। आखिरी लाइन की है सो करे सो करे जे तिसे रजाए जो उन्दी रजा होए ओ करदा है तेरा हुक्म नहीं बनता। बल्कि गुरबाणी ने एक थां ते बड़ी खूबसूरत गल आखी कहन लगे किस बीओ पूछ न मसलत करे। मसलत कहंदे ने सलाह फैसला। बीओ कहंदे ने दूजा क्योंकि दूजा लफज है ना पुरातन जेड़ा उर्दू भाषा सी उन्दे विच भी फारसी थे अलफ तो बाद आउंदा सी बे। इंग्लिश विच भी ए तो बाद बी। मैं हैरान हाँ कि सूक्ष्म गल्लां समझण वालियां ने बाणी विचों। इसे लई गुरु ने थां थां जिथे दूजा लफज वरतिया कई थावां ते बे लफज वरतिया। आम भी कह दें फलाना बड़ी वाकफीत रखता है तो एक आख दें वह बेवाकूफ है जिन्हों आप हौली हौली बेवाकूफ बना लिया है। बेवाकूफ दूजा लफज जड़ा इत्थे भी बीओ तो भाव है दूजा। गुरबाणी कह रही है बीओ पूछ ना मसलत करे। वो किसे दूजे नू पूछ के सलाह लाए के कोई काम नहीं करता। जो किसे दी सलाह ही नहीं लेंदा तू उन्हें सलाह क्यों देना। अजीब गल है वो तेरे को सलाह मंग नहीं रहा वो किसे दी सलाह मनदा नहीं सुनदा नहीं तू आप ही सलाह रोज देना मेरे लिए कर दे उनके लिए कर दे उन्हें आ दे दे मैनू आ दे दे तेरी सलाह की लोड़ है उन्हें नहीं पता किनू की देना है। इसलिए गुरु ने वाणी में आख दिता कह लगे एक जगंदे नाल है ना गुरबाणी विचों गुरमत दे आशे जड़े ने बड़े समझने पैंदे। गुरु कहंदे ने एक जगंदे नाल है ना एक जागदे भी प्राप्त नहीं कर एक एक ना सुतियां दे उठा ल भी वह पूछ ना मसलत करे। वह किसी को सलाह नहीं लेंदा तू एवें उन्हें रोज सलाह दे जाना क्योंकि तेरा सुभाव बन गया है तू उन्हें अपनी रजा अनुसार चलाना चाहता चाहना तो वह सो करे जे किसे रजा है। इस गल ते तेनू विश्वास नहीं आ रहा तू रोज उन्हें अपनी रजा चलाने की कोशिश करना है मैनू आ चाहिए मैनू आ चाहिए। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इसे लिए एक एग्जाम्पल दे दी कहन लगी जतन बहुत सुख को किया दुख को कियो ना कोय। आम मनुख दी गल है दसो कोई मनुख ऐसा है जेड़ा अपने दुखां लई जतन करे भी मैं दुखी होवां कोई नहीं करता। दुनिया का हर मनुख अपने लिए सुखां दे यतन करता है यह जे समान बनाता है जिंदे नाल मैं सुखी हुआ। कोई दुखां लिए समान नहीं बनाता ते जदों कोई भी सुख दुखां लिए समान नहीं बनाता फिर दुख हैं क्यों क्योंकि कोई तो मंगता ही नहीं दुख कौन मंगता है। हालांकि गुरु ने एक आवाज दे के एक गल आखी कहन लगे
नानक बोलन चखना चख मारना एवं रब अगे अपनी रजा रख रख के मेरे दुख खत्म कर दे मैनू सुख दे दे तू भी सुख ही मंगना नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगी है सुख सुख मंगना है जतन बहुत सुख की जदों दुनिया का हर मनुख सुख दे यतन कर रहा है किसे नू दुख नहीं चाहिदा ते फिर दुनिया अंदर दुख खत्म हो गया कोई दुखी ना रहा क्योंकि हर किसे दा यतन तो सुखां लई सी बल्कि कदी तुसी तवज्जो ध्यान दोगे दुनिया अंदर दुखी ज्यादा ने सुखी घट ने बल्कि जिन्हों जरा फरोल के देखो ना अंदरों उपरों बड़ा खुश नजर आता हो बड़ा अमीर दिसदा हो पर जला उनके नेड़े हो के उन्हों फरोल के देखो कोई ना कोई दुख वो भी अपने अंदर सांभ के बैठा है जड़ा रोने रोने रोएगा गुरु ने कह दिता कह लगे दुख किया पंडा खुलिया सुख नानक सुख हो कारण है सोचना पाएगा गुरबाणी साढ़े सामने सवाल रखती है इन्हें सोच जे दुनिया का हर मनुख सुख ही मंगता है सुखां लई यतन करता है दिन रात देश प्रदेश विच बिजनेस करके व्यापार करके जॉबां करके उनके बदले विच तो सुख ही चाहता है ना फिर दुखी क्यों है बल्कि जदों मैं देखना गुरु कहिंदे ने मैनूं दुखी ज़्यादा दिसदे ने मैं जानिया दुख मुझ को दुख सवाया जग सारे संसार अंदर लोग दुखी ने उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर ए आग दुख ज़्यादा ने पर सोचना पाएगा आखिर दुख क्यों ने तू तो सुख मंगना है हम इस गल का जवाब बाबा कबीर जी का है कहने लगे मेरे मंगे नाल ते मेरी रजा मेरी चितुरी नाल उनका की वास्ता है जो मैं चितवो ना करे इसलिए कह दिता भी वो पूछ ना मसलत करे जो किछ करे सो आपे करे गुरबाणी कहन लगे पूछ ना साजे पूछ ना ढाहे ना किसी की साजना करदा पुछ के कि तेनू क्यों जा पुत्र चाहिदा है काला चाहिदा गोरा चाहिदा पढ़िया चाहिदा डाकू चाहिदा साध चाहिदा कुछ नहीं पुछदा पूछ ना ढाहे पूछ न साजे पूछ न ढाए पूछ न देवे ले ना कुछ देन लगिया पुछदा देन लगिया मैं नहीं पुछदा ऐसे लोग ने जेडे कई कोट बैठे ही खाते ने सब कुछ दे जाता है ते ऐसे भी लोग ने कई कोट काले थक पाए जो दिन रात बेचारे मशक्कत करते ने राज रोटी नहीं नसीब होंगी क्योंकि मर्जी उन्हां दी नहीं चल रही मर्जी किसे होर दी चल रही रजा उस दी नहीं चल रही रजा तो तू तो एवें रजा उस दी रजा विच बार बार रुकावट खड़ी कर रहे हैं अपनियां मंगां ते अपनी मर्जी नालों नूं चलाना चाहना बाबा नामदेव जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता जदों बादशाह ने उनके सामने सवाल रखिया ना ते भी इस मरी हुई गऊ नू जिंदा कर दे जिंदा कर दे सुनिया रब भगवान तेरा ठक तेरी गल मनदा लै इस मरी हुई गऊ नू जिंदा कर दे गुरबाणी ने गल इस कहानी नू
ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਈ ਗਊ ਦਿਓ ਜੀਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਈ ਗਊ ਦਿਓ ਜੀਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। सुल्तान पूछे सुन बे नामा देखो राम तुम्हारे कम्मा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेवा तेरा हर बिठला बिस्मिल गऊ दियो जीवाए इस कतल कीती मार के रखी हुई गऊ नू जिंदा कर ना तर गर्दन मारू उठाए नहीं तो तेरी गर्दन उतार देंगा। पर नामदेव ने जवाब कैसा सुंदर कहने लगे बादशाह ऐसी क्यों होए ये किवें हो सकता है बिस्मिल किया ना जी कोई कहने लगे सुने तू पहले भी कई जिंदा कीते ने मरे हुए ते जवाब दिंदा बाबा नामदेव कहंदा हमरा किया कछु न होए मैं कौन हुन्ना उंदी उन्दे सामने अपनी मर्जी वर्तन वाला हमरा किया कछु न होए कर है राम होए सो ना हम किया ना करेंगे। बाबा कबीर भी हो गल कह चुके ने ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर जो किछ किया सो हर किया हमरा किया कछु न होए जो किछ किया सोहार किया पयो कबीर कबीर उन्दी रजा विच अपनी मुदाखलत करन दा अपनी रजा चलान दी कोशिश ना कर एहो तेरी ते तेरे रब दे दरम्यान विच एक दीवार खड़ी कीती गई है। असी रोज करने चाहने जो कुछ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਸ ਜੇ ਤੁਮ ਰੱਖੋ
वास्तव ही रहना, जो तुम कहो सोई मैं करना, कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचे जे कर सकिए अपना कीता कछु न होवे, अपना कीता कछु न होवे, जो हर भावे त्यों रखिए, मेरे हर जियो सब को तेरे वास, जे तेरी मर्जी होवे ता तू पिखारी ते राज करावे, राजा ते पिखारी, जे तेरी मर्जी होवे ता खाल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी, अपना कीता कछु न हो, मेरे हर जियो सब को तेरे वास, असां जोर नहीं जे किछ कर हम सके, कहो मानुख ते क्या हो जावे, जो तिस भावे सोई करावे, इसके हाथ होए तो सब किछ ले, जे कदी तेरी मर्जी होवे तो दुनिया दी सारे सुख दुनिया दी सारी दौलत तू अपनी मुट्ठी च कर ले, किसे जोगा कुछ ना छड़े। गुरु कहते ने इसके हाथ होए ता सब किछ ले, पर तेरे हाथ नहीं, जो तिस भावे सोई करे, बस इस गल ते विश्वास दुआया है बाबा कबीर जी दे अज दे इस बचन ने। श्लोक विच एक गल आखी है, जो मैं चितमो ना करे, मैं एवें अपनी रोज सलाहां दिंदा रहा उन्हूं, उन्हें मेरे को सलाह मंगी नहीं, मैं उन्हूं रोज सलाहां दे जाना, जो मैं चितमो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, मेरी चितवनी नाल, मेरी सोच नाल, मेरे फैसले नाल, मेरी चाहत नाल की हो जाएगा जे उंदी रजा ना होवे। और यही गल बाबा कबीर जी ने आखी, कहन लगे कबीर जो मैं चितवो ना कबीर, जो मैं चितवो ना करे, ना करे, क्या मेरे चितवे वाला श्लोक सानू रब दी
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਰੂਪ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।